इन्फिनिक्स हॉट 10। जी हाँ, इन्फिनिक्स ने आज इन्फिनिक्स हॉट 10 लॉन्च कर दिया है। हालांकि दोस्तों काफ़ी अच्छी प्राइस पॉइंट और काफ़ी अच्छी स्पेसिफिकेशंस के साथ में जो है वो लॉन्च किया है, बट आपको पता है हर एक फ़ोन में जो है वो कुछ एक खामियां, जो कुछ एक जो है वो मिसिंग फीचर्स होते हैं। वो कौन से ऐसे मिसिंग फीचर हैं वो जो है मैं आपको आज की दोस्तों इस वीडियो में बताऊंगा। और अगर आपको फ़ोन तो देखने में पसंद आया होगा क्योंकि लुक यहाँ पर अच्छी है, बट मिसिंग फीचर्स क्या हैं और अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो ऐसे कौन से फीचर्स हैं जो आपको जो है वो ध्यान में रखने चाहिए, दोस्तों सब कुछ बताऊँगा दोस्तों आपको आज की इस वीडियो में। तो आप देखिए वीडियो अगर अच्छी लगे तो जरूर से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए तो सब्सक्राइब करने के साथ दोस्तों बेल बटन भी दबाना, तभी आपको मेरे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेंगी दोस्तों। तो बिना किसी तरीके शुरू करते हैं ये वीडियो दोस्तों और बात करते हैं इन्फिनिक्स हॉट 10 के कुछ कॉन्स की। बट उससे पहले दोस्तों आपको इसके कुछ मोटे मोटे फीचर्स जो है वो बता देता हूं जल्दी जल्दी। तो यहां पे दोस्तों आपको बता दूं ये जो है सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएंट में जो है वो लॉन्च हुआ है, 6GB 128GB, जो कि प्राइस्ड है 9999 और इसकी पहली सेल है दोस्तों 16 अक्टूबर, जब जो है फ्लिपकार्ट पे बिग बिलियन डे सेल जो है वो लगने वाली है। इसके अलावा दोस्तों इन्फिनिक्स ने अच्छा काम इस बार ये किया है कि यहां पे आपको हीलियो G70 प्रोसेसर जो है वो देखने को मिलता है, वही प्रोसेसर जो आपको रियलमी C3 रियलमी नाजो 10A में देखने को मिलता है। वेरस पहले क्या होता था, इन्फिनिक्स जो है वो वही घटिया घटिया प्रोसेसर जो है वो डाल देता था, जैसे कि हीलियो A22 P22 ऐसे प्रोसेसर। तो भैया यहाँ पे जो है प्राइस के मामले में और प्रोसेसर के मामले में यहाँ पे जो है वो अच्छा काम किया है इस बार इन्फिनिक्स ने। इसके अलावा दोस्तों आपको यहाँ पे जो है 16 मेगापिक्सल का AI क्वाड कैमरा सेटअप जो है वो देखने को मिलता है, 5200mAh बैटरी देखने को मिलती है, साथ ही साथ फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट जो है देखने को मिलता है। तो ये थे दोस्तों इसके कुछ मोटे मोटे फीचर्स। अब यार बात कर लेते हैं इसके कॉन्स की, कौन से मिसिंग फीचर हैं जो इसमें जो है वो होने चाहिए थे। दोस्तों सबसे पहले आपको बताऊं कि यहाँ पे जो एडवर्टीज़ किया जा रहा है फ्लिपकार्ट वगैरह पे, तो वो ये किया जा रहा है कि यहाँ पे आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलेगा 18 वॉट का। बट दोस्तों सच्चाई ये है कि जब आप बॉक्स खोलोगे इसका तो आपको जो है वो 18 वॉट फास्ट चार्जर जो है वो विद इन दी बॉक्स नहीं देखने को मिलता, विद इन दी बॉक्स आपको यहाँ पे जो है वो 10 वॉट नॉर्मल चार्जर जो है वो देखने को मिलता है। तो एक तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा अगर आप इस फ़ोन को जो है वो लेते हो, अगर आपके पास ऑलरेडी 18 वॉट का फास्ट चार्जर है तब तो अच्छी बात है, अदरवाइज आपको सेपरेटली जो है वो 18 वॉट फास्ट चार्जर जो है वो बाय करना पड़ेगा। अब बात करते हैं दोस्तों दूसरे पॉइंट की, तो वो है इसमें दिया गया माइक्रो यूएसबी पोर्ट। जी हां, ज्यादातर वीडियोस में आपको यहां पे जो है ये नहीं बताएंगे कि इसमें जो है वो आपको माइक्रो यूएसबी पोर्ट जो है वो देखने को मिलता है। वेयर एज दोस्तों अगर आप इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से देखोगे 10,000, जिसमें कि रेडमी 9 प्राइम भी देखने को मिलता है, और उसी प्राइस पॉइंट में पोको M2 भी आपको 6GB 64GB वाला मिलता है, तो उसमें आपको जो है वो टाइप सी पोर्ट जो है वो देखने को मिलता है। तो यहां पे अगर माइक्रो यूएसबी की बजाय टाइप सी पोर्ट अगर इन्फिनिक्स दे देता तो और भी ज्यादा अच्छी बात होती। बट मेरे हिसाब से यहां पे जो है अगली बार जब कोई मॉडल ये जो है वो लॉन्च करेंगे, जैसे कि अभी प्रोसेसर की इंप्रूवमेंट करी है साथ ही साथ प्राइस की भी इंप्रूवमेंट करी है, तो शायद से इस चीज की भी यहां पे इंप्रूवमेंट अगले मॉडल में हो जाए। अगले पॉइंट की दोस्तों बात करें, यहां पे जो तीसरा पॉइंट है वो है दोस्तों आपको यहां पे कोई भी सेकेंडरी माइक जो है वो नॉइस कैंसिलेशन के लिए नहीं देखने को मिलता, ऊपर वाली साइड बिल्कुल फ्लैट जो है वो देखने को मिलती है, सिर्फ और सिर्फ एक माइक आपको यहां पे जो है वो देखने को मिलता है। दोस्तों ऐसे में होता क्या है, जैसे कि रियलमी नार्जो 20 प्रो अभी रिसेंटली मैंने बाय किया, हालांकि ये 15,000 का फोन है, इसमें भी रियलमी आजकल काफी सारे फोन में जो है सेकेंडरी माइक जो है वो नहीं दे रही नॉइस कैंसिलेशन के लिए, जिसका जो है बहुत तगड़ा इशू बन जाता है जब आप वीडियो रिकॉर्ड करते हो। अगर आप स्पेसिफिकली मोबाइल जो है वो ले रहे हो, ज्यादा अगर आपने वीडियोस वगैरह रिकॉर्ड करनी है आउटडोर स्पेशली, तो दोस्तों ये चीज ध्यान में रखिएगा सेकेंडरी नॉइस कैंसिलेशन माइक अगर नहीं होगा तो काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा नॉइज़ जो है वो आएगी वीडियोस में और काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग वीडियो जो है वो बनेगी, तो इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा। और ये चीज़ मेरे हिसाब से होनी ही चाहिए, सेकेंडरी नॉइज़ कैंसिलेशन जो है मस्ट है, और पोको M2 रेडमी 9 प्राइम सब में आपको जो है सेकेंडरी नॉइज़ कैंसिलेशन माइक जो है वो देखने को मिलता है इसी प्राइस पॉइंट में। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं अगले पॉइंट की, तो वो है दोस्तों आपको यहाँ पे कोई भी वाइड 1 L1 का सपोर्ट जो है वो नहीं देखने को मिलता। तो अगर आप नेटफ्लिक्स वगैरह प्ले करना चाहते हैं, अमेजन प्राइम वीडियो जो है वो प्ले करना चाहते हैं, तो वो यहां पे जो है वो नहीं होगी, क्योंकि यहां पे आपको कोई भी वाइड वन L1 का सपोर्ट जो है वो नहीं देखने को मिलता, ये चीज जो है वो ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं अगले पॉइंट की, वैसे तो आपको यहां पे जो है क्वाड कैमरा का सेटअप जो है वो देखने को मिलता है, उसमें मेन जो है वो 16 मेगापिक्सल कैमरा है, उसके साथ में 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस कैमरा, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर कैमरा, और एक कितने मेगापिक्सल का है वो इन्फिनिक्स को भी नहीं पता, क्योंकि वो एक लो लाइट सेंसर है, वो यहां पे उनको भी नहीं पता है। तो 2-2 मेगापिक्सल के यहां पे जो है
16 मेगापिक्सल के साथ में जो है वो कैमरे दिए गए हैं, जो मेरे हिसाब से टोटली यूजलेस टाइप होंगे। और जो मेन जो 16 मेगापिक्सल का कैमरा है वही जो है ठीक ठाक जो है वो काम करेगा। फ्रंट वाली साइड 8 मेगापिक्सल कैमरा आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, बट यहाँ पे जो मिसिंग है वो है दोस्तों वाइड एंगल कैमरा। यहाँ पे आपको कोई भी वाइड एंगल अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा यहाँ पे जो है वो नहीं देखने को मिलता। और अगर आपको चाहिए भैया मोबाइल में वाइड एंगल कैमरा तो यहाँ पे जो है वो ये चीज़ नहीं देखने को मिलती, इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा। साथ ही दोस्तों कैमरा में कोई भी EIS का सपोर्ट जो है वो नहीं देखने को मिलता। चलो इसको तो हम इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि प्राइस पॉइंट जो है बहुत ही यहाँ पे सही रखा है इस बार इन्फिनिक्स ने, बट यहाँ पे एक अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा अगर होता तो और भी ज़्यादा अच्छी बात होती। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर डेप्थ सेंसर वगैरह हटा देते तो कोई दिक्कत नहीं थी, अगर आपको एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस यहाँ पे दिया होता तो और भी ज़्यादा अच्छी बात होती। तो भैया मेरा तो फ़र्ज़ है यहाँ पे आपको जो है जो जो पॉइंट्स इसमें मिसिंग है या जो होने चाहिए थे उसके बारे में आपको जो है अवगत कराना, बाकी भैया मानना ना मानना तो आपकी मर्जी है। लास्ट पॉइंट की दोस्तों बात कर लेते हैं, वो है दोस्तों इसका OS। वैसे तो आपको यहाँ पे जो है वो Android 10 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलता है, बट इसके ऊपर दोस्तों रन होता है इनका अपना XOS 7.0, जिसमें आपको थोड़े बहुत जो है ब्लॉटवेयर वगैरह देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ जो यूजर्स हैं उनको XOS जो है वो उतना अच्छा नहीं लगता कंपेयर टू बाकी के जो UIs हैं, तो कुछ ऐसा यहाँ पे। बाकी आपका इसके ऊपर क्या टेक है नीचे कमेंट कर दोस्तों जरूर बताना। बाकी दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया मेरा यहाँ पे सिर्फ फर्ज था आपको इन पॉइंट्स के बारे में जो है वो अवगत कराना। और दोस्तों लास्ट में दोबारा से बोलना चाहूंगा प्राइस पॉइंट यहाँ पे जो इन्फिनिक्स ने हालांकि अच्छा रखा है, स्पेसिफिकेशंस भी यहाँ पे ठीक हैं, बट ये हल्की फुल्की खामियां अगर दूर कर दे अगले मॉडल में तो यहाँ पे और भी अच्छी बात होगी। और भैया जैसे मैंने बताया बीइंग ए ऑनेस्ट रिव्यूअर मेरा तो भैया फर्ज बनता है आपको ये सारे पॉइंट्स से अवेयर करवाना। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो जरूर से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। फर्स्ट टाइम इस चैनल पे है तो सब्सक्राइब करने के साथ दोस्तों बेल बटन भी दबाना, तभी आपको मेरे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेंगी। दोस्तों मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।